नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, आज के इस लाइव चैनल में हम एक और फेक न्यूज को डिबंक करेंगे. लेट मी ब्रिंग द पर्सन ऑन द चैनल. होल्ड ऑन फॉर अ मिनट. दोस्तों, गिव मी अ मोमेंट. आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग समबडी ऑन. यस, ओके. दोस्तों, अगर आप देख रहे हैं तो आप बने रहिए हमारे साथ. आज के इस लाइव शो में हम डिबंक करेंगे एक और फेक न्यूज को. तो हमारे साथ आज के हमारे गेस्ट ज्वाइन कर चुके हैं. समीर, कैसे हैं आप? जी सर, सब बढ़िया. आप सुनाइए. वेरी गुड समीर, थैंक यू वेरी मच ज्वाइनिंग एट दिस ओड आर ऑफ द नाइट. दोस्तों, जैसे कि आपने देखा होगा, अगर आप इस चेहरे को जो मेरे साथ में है पहचान रहे हैं, अगर आप इमेजिन करें बिना दाढ़ी के, इस फोटो को सोशल मीडिया पर आपने तैरते हुए देखा होगा पिछले कुछ दिनों में. पोस्ट कार्ड की जो सोशल मीडिया की जो एफबी की पेज है, उसने काफी बार काफी फेक न्यूज फैलाई है, और इस बार उन्होंने इन शख्स से रिलेटेड एक फेक न्यूज को जन्म दिया है जो काफी सारे सोशल मीडिया पेज पर वायरल हो रही है. आज के इसी वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे वो झूठ बोल रहे हैं और उनके झूठ का पर्दाफाश करने की कोशिश करेंगे. मेरे साथ जो स्क्रीन में है, इनका नाम है समीर खालिद. समीर, कैसे हैं आप? जी सर, सब फाइन. व्हाट्स अबाउट यू? आई एम गुड, थैंक यू वेरी मच समीर. समीर, पोस्ट कार्ड ने एक ऐसा सोशल मीडिया पर पोस्ट डाला और कहा कि ये देखिए, ये मीडिया का पालतू पेट है जो पैसे लेकर मीडिया में जाता है और उनसे क्वेश्चन पूछता है. क्या ये सोशल मीडिया की जो फेक न्यूज है, क्या ये आप तक भी पहुंची? बिल्कुल जी सर, मुझसे बिल्कुल पहुंची. तो जब इसने आपने पहली बार इसको देखा तो आपका रिएक्शन क्या था? यही मेरा रिएक्शन था. जब मैंने फर्स्ट टाइम पोस्ट देखी तो आई वॉज लाफिंग वेरी हार्ड. क्यों, उसमें कुछ सच्चाई नहीं थी? जी, सच्चाई तो नहीं थी, ये भी तो मुझे हंसी आ गई. नहीं तो अगर सच्चाई होती तो मैं हंसता थोड़ी. अच्छा दोस्तों, अब आपको बताने के लिए कि ये जो न्यूज पोस्ट कार्ड द्वारा फैलाई जा रही है वो झूठी कैसे है, उसके लिए हम थोड़ा सा बैकग्राउंड चेक करते हैं समीर जी का, पता करते हैं कि कौन है. तो समीर, आप काम करते हैं या पढ़ते हैं? जी, मैं स्टूडेंट हूँ सर. मैं जर्नलिज्म का स्टूडेंट एंड मास कम्युनिकेशन का. तो आप मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म के स्टूडेंट हैं. तो जी सर, जो ये मीडिया हाउसेस हैं, इन पर जो डिबेट्स होती है, क्या आपको उसमें बुलाया जाता है या नहीं, इसके बारे में आप प्रोसेस के बारे में बताना चाहेंगे, क्या है ये? बिल्कुल सर, मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि हमारे जो, मैंने आपसे कहा मैं जर्नलिज्म का स्टूडेंट हूँ, हमारे जो जर्नलिज्म का कॉलेज हैगा, तो उस कॉलेज के अंदर जो है इन मीडिया हाउसेस से जो है इन्विटेशन आता है. फिर जब इन्विटेशन आता है तो हमें बताया जाता है कि ये ऐसे ऐसे इस चैनल में डिबेट होगी और इसका टॉपिक ये होगा, तो हम उसके लिए काफी रिसर्च करके जाते हैं और बड़ा प्रिपेयर होके जाते हैं. तो मतलब कि आप पेड एजेंट नहीं है मीडिया हाउसेस के, आप ये कहना चाहते हैं? तो दोस्तों, जैसा कि समीर बता रहे हैं, जितने भी मीडिया हाउसेस हैं वो जनरली मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म के जो कॉलेजेस होते हैं उनको इनविटेशन भेजते हैं कि आपके जो स्टूडेंट्स हैं, अगर वो हमारी डिबेट्स का हिस्सा बनना चाहते हैं तो वो आ सकते हैं. उसके बाद वो कॉलेज उसको पब्लिक नोटिस बोर्ड पर या उनकी वेबसाइट पर पब्लिश करता है, और जितने भी वहां के स्टूडेंट्स होते हैं वो उस इनविटेशन को पढ़कर वहां पर अगर उनका मन है तो उसके लिए रजिस्टर करते हैं. तो सारी डिबेट्स में आप ही कैसे जाते हैं समीर? नहीं सर, सारी डिबेट्स में तो नहीं जाता मैं. खैर, कि सारी डिबेट्स में कैसे चला जाऊंगा, कि महीने में 5 महीने में जो है तकरीबन 10 डिबेट्स होती हैं और साल की 120, तो 120 की 120 डिबेट में तो मैं नहीं जा सकता. मैं हार्डली जो है कम 7-8 डिबेट में गया हूँ. तो आप कह रहे हैं कि एक चैनल की जनरली महीने में 10 डिबेट्स होती हैं और साल में 120,
और अगर हम देखें कि इस समय जो मीडिया के चैनल 25 चैनल हैं, तो समवेयर अराउंड आप देखेंगे तो हजारों से ज्यादा डिबेट्स होती हैं। आप कह रहे हैं कि आप आज तक केवल 10-15 डिबेट में ही गए हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो कौन कौन से चैनल्स में गए आप समीर डिबेट्स के लिए? मैं आपको बताऊं कि सारे चैनल जो हैं फिल्म सिटी में ही हैं, तो अगल बगल में ही हैं, NDTV, आज तक, और हुआ, और जी इंडिया टीवी, और जी इंडिया टुडे तो है आज तक। ओके, तो आप लगभग जो मेजर मेजर चैनल्स हैं उन सब में गए हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अब नेशनल अगला प्रश्न आप पर ये आता है कि ये देखिए सुंदर सा लड़का यही सारे क्वेश्चन पूछता है और हमेशा इसी के क्वेश्चन होते हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए कि क्वेश्चन हमेशा जो है बहुत हार्डली सिलेक्ट होते हैं, जिनके शार्प क्वेश्चन होते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पूछने वाले तो वहाँ बहुत स्टूडेंट्स होते हैं, लेकिन हर किसी को इतनी ड्यूरेशन नहीं होती है शो की, हर किसी को अपॉर्चुनिटी मिल जाए, लेकिन जिसका जो है अच्छे क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं और इररेलेवेंट नहीं होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंटली रेलेवेंट क्वेश्चन होते हैं, उन्हीं के सिलेक्ट होते हैं। ओके, तो दोस्तों जैसा कि समीर यहाँ बता रहे हैं कि जो भी एक लाइव शो होता है उसमें तो देखिए यथातथा जो भी क्वेश्चन पूछेगा वो सबको पता लग ही जाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द जो डिबेट्स होती हैं जो टीवी पर वो रिकॉर्डेड होती है। अभी हम यहाँ पर लाइव सेशन कर रहे हैं, इसमें जो भी समीर करेंगे आपको पता लग जाएगा, लेकिन अगर मैं इस वीडियो को ऑफलाइन रिकॉर्ड करता उसमें से अगर वो कोई बात अच्छी बोलते तो मैं उसको वीडियो पर दिखाता, या फिर कहीं वो हड़बड़ा जाते या हकला जाते मैं उस चीज को नहीं दिखाता। तो यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक शो में काफी लोग क्वेश्चन पूछते हैं जिनके क्वेश्चन शॉर्ट होते हैं, शार्प होते हैं और रेलेवेंट टू द टॉपिक होते हैं, वही लोगों तक पहुंच पाते हैं, और बिकॉज वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, रिसर्च कर कर जाते हैं, इसीलिए वो लकी है कि उनका क्वेश्चन सेलेक्ट हो जाता है और वो आपको वीडियो में भी दिख जाता है। क्या मैंने सही फरमाया समीर? बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने सही बिल्कुल सही फरमाया। अच्छा समीर, तो हजारों से ज्यादा शेयर हुई है ये फेक न्यूज और आपके नाम को बदनाम करने की कोशिश की गई है, आपके नाम एकदम एक तरह का करेक्टर असैसिनेशन करने की कोशिश करी गई इस फेक न्यूज के द्वारा, राइट? और आपको स्पेसिफिकली रवीश जी के साथ दिखाया गया है। रवीश जी मेरे आई गेट इंस्पिरेशन फ्रॉम हिम, ओके, बिकॉज मुझे लगता है कि वो कांग्रेस के टाइम पर भी सही पत्रकारिता करते थे, वो आज भी सही पत्रकारिता कर रहे हैं और मुद्दों को उठाते हैं। बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट। पोस्ट में ये नहीं बताया गया कि आप रजत शर्मा जी के साथ भी, गौतम सरदाना, सॉरी जो एक और है वो कौन से, अंजना ओम कश्यप के साथ भी, आप बीजेपी के लीडर्स के साथ भी इतने ही साथ आपकी फोटोज है जितने की बाकी सबके साथ, तो लगभग मैं देख पा रहा हूँ कि हर पार्टी लीडर्स के साथ आपने कोई फोटो खिंचवाई हुई है, तो ये इसके बारे में क्या है, बताएंगे आप फोटोज के बारे में? जी समीर, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि लगभग हर पार्टी लीडर के साथ आपकी फोटोज है, ये सोशल मीडिया पर भी दिख जाएंगी और आपके फेसबुक पर भी दिख रही है, तो इसके पीछे क्या रहस्य है, उस पर बताना चाहेंगे कि ये फोटो सब पार्टी लीडर्स के साथ कैसे है आपका? जी मैं आपको बताऊं कि जैसे हम डिबेट शोज में जाते हैं, इवेंट्स में जाते हैं, तो जब इवेंट खत्म हो जाता है, जैसे डिबेट खत्म हो जाती है, तो जो पैनलिस्ट होते हैं, गेस्ट होते हैं, उनसे हमें इंटरेक्शन भी हो जाता है और काफी जो है उनसे थोड़ा सा डिस्कस भी कर लेते हैं, दैट टाइम वी टेक पिक्चर्स। ओके, सो दोस्तों समझिए ऐसे कि अगर एक लाइव डिबेट हो रही है उसके अंदर संबित पात्रा जी आए हुए हैं, उसके अंदर कांग्रेस के भी आए हुए हैं। होनी चाहिए, बहुत ही मतलब अच्छे हैं। थोड़ा सा यहाँ पर ऑफ टॉपिक हमें जाना पड़ेगा, मैं आपको ये बताता हूँ कि जब मैं संबित पात्रा को देखता हूँ उनकी कम्युनिकेशन बहुत बढ़िया है, आपने बिल्कुल सही किया, लेकिन उनकी कम्युनिकेशन ये होती है कि इफ यू कैन नॉट कन्विंस कन्फ्यूज, जी इसके बारे में आपका क्या कहना है? बस इस बारे में आपको क्या बताऊं कि मैं जो है कभी कभार सही भी बस सही बोल देते हैं कि मतलब जो है मतलब इट्स वेरी हार्ड टू बीट हिम। ओके, तो क्या आप ऐसी पत्रकारिता करना चाहेंगे जैसे कि संबित पात्रा करते हैं? नहीं बिल्कुल नहीं सर, वो तो एक स्पेसिफिक पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, लेकिन पत्रकारिता में तो निष्पक्ष रहना पड़ता है, एक ही पार्टी का कैसे कर देंगे। वेरी गुड, ओके समीर,
ये एक हॉट न्यूज है कि भारत का जो पत्रकारिता में प्रेस फ्रीडम इंडेक्स का रैंक 138 है, 138 पहुंच गया है इंटरनेशनल लेवल पर। आप जर्नलिज्म के स्टूडेंट हैं, जब आपको ये न्यूज पता लगती है तो आपका क्या इसके बारे में आप सोचते हैं? सर ये व्हेन वी थिंक अबाउट दैट वी इट्स वेरी हार्ट ब्रेकिंग यू नो कि आज हम जो है देश के अंदर बुलेट ट्रेन चलाने की बात करते हैं, आज हम देश को एक मतलब कि बहुत फास्ट ट्रैक पर चलाने की कोशिश करते हैं, और लेकिन यही जो हमारी प्रेस की आज़ादी है वो 138 पायदान पर आती है, और जो है बहुत डिस्कस्टिंग है। मतलब कि आज जो है इतना हम कहते हैं कि इंडिया डेवलप हो रहा है, और यही जो हम प्रेस में देखते हैं कि किस तरीके से जो है 138 पर आ रहा है, इस स्टेप पे है पूरे वर्ल्ड के अंदर। इट्स वेरी हार्ट ब्रेकिंग एंड शेमफुल। तो आपको लगता है कि आपकी जर्नलिज्म की जो कम्युनिटी है या फिर एटलीस्ट जो स्टूडेंट कम्युनिटी है, क्या वो इसके लिए कुछ प्रयास कर रही है या फिर व्हाट हाउ बिल्कुल डू यू बिल्कुल सर बिल्कुल, हमें जो है प्रैक्टिस, हम इसी चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं कि आगे इन फ्यूचर जो है इसको कम से कम जो है अंडर 10th 10 रैंक के अंदर लाया जाए, और जो है इसे जो है अच्छा पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है इंडिया को आगे लाके जो है ऐसे जर्नलिज्म के स्टूडेंट अभी से अगर प्रैक्टिस करें तो इसे बहुत इम्प्रूव करा जा सकता है कि फॉर ए बेटर फ्यूचर, और कोई हम इस चीज़ की पूरी कोशिश स्पेसिफिक करते हैं। समीर, कोई स्पेसिफिक दो या तीन चीजें आप बता सकते हैं जो आपको लगता है कि जिसके ऊपर मीडिया को ध्यान देने की जरूरत है ताकि ये जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में मीडिया का रैंक है थोड़ा और ऊपर आ सके? बिल्कुल, कि जैसे कि फर्स्ट तो एजुकेशन, और जो है सेकंड जो है अगर जो हम एम्प्लॉयमेंट के ऊपर बात करना स्टार्ट कर दें, और थर्ड जो है हम अगर जो है पॉवर्टी के ऊपर बात करना स्टार्ट कर दें तो ये बिल्कुल जा सकती है। ओके. ऐसी कोई चीज है जो आज आपके मीडिया में, हमारा जो मीडिया हाउसेस है इसमें आप मिस करते हैं? ऐसी कोई चीज आप बिल्कुल पर्टिकुलर बताना सर चाहते? बिल्कुल, ये तो हम एवरी डे ही मिस करते हैं कि मतलब जो देश के जो मेन मुद्दे हैं जिस पर हमें बात करनी चाहिए, कि क्यों आज भी जहां बुलेट ट्रेन चलाने की बात करते हैं वहीं सामान्य रेलगाड़ी जो है 12-12 24-24 घंटे लेट हैं, इन पे कोई क्यों बात नहीं करता है, और जो है आज इतनी जो है महंगाई बढ़ रही है इस पे कोई क्यों नहीं बात करता है, आज जो है जितना स्कूल ये जो लेवल बढ़ता जा रहा है, जो स्कूल जो डाउनग्रेड होते जा रहे हैं उन पे कोई क्यों बात करता है, ये तो हम डेली मिस करते हैं। मैं एक यहाँ पर आपको स्टॉप करना चाहूंगा समीर. आपने कहा कि कोई बात नहीं करता है, लेकिन अगर हम देखेंगे कि हाल फिलहाल में एक पत्रकार ने इन बिल्कुल, मुद्दों पर बात, रवीश कुमार, रवीश कुमार, कौन? रविश रवीश कुमार, कुमार. इफ आई एम राइट, इफ आई एम राइट। ओके, यस, रविश कुमार ने इन मुद्दों पर बात की है. उनके बारे में आपकी क्या राय है? सर रवीश कुमार सर, आई एम ए बिग फैन ऑफ हिम एंड आई एम इंस्पायर्ड। मैं रवीश कुमार सर से बहुत ही इंस्पायर्ड था, जब मैं 12th में आया तो मैं मतलब उनकी सारी प्राइम टाइम देखता था, और जो रवीश कुमार जी ही मैं आप कहूँ कि ऐसे पर्सन है जो मुझे इस फील्ड में लाए, इस फील्ड में मैं जिनकी वजह से आया, इन्हें देख देख के उनकी जो जिस तरह से अंदाज से बात करते हैं और जिस तरह से वो जो है असल मुद्दों पे बात करते हैं, मेन वजह तो यही है, एक स्वच्छ पत्रकारिता। तो रविश कुमार जी को तो जान से मारने की धमकियां भी मिल रही है. क्या आप तैयार हैं अगर आप वैसी पत्रकारिता करेंगे तो? बिल्कुल सर, ये अगर देश ऐसे इन अगर बातों से देश में अगर सुधार हो सकता है तो उसके लिए एक क्या 100 जाने भी हाजिर। सल्यूट है आपको समीर खालिद, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो, क्योंकि भारत को इस समय निष्पक्ष पत्रकारिता की बहुत जरूरी है. बिल्कुल दोस्तों, हम देखते हैं कि बिल्कुल मीडिया कैसे डिस्कस करती है कि अमिताभ बच्चन की बिल्ली छत पर पहुंची, कैसे बिल्कुल देखिए गाय हवा में उड़ती हुई पाई गई, कैसे बिल्कुल, देखिए उड़न ऊपर उड़ते तस्करी हुए एलियंस को देखा गया. उन मुद्दों को छोड़कर अगर मीडिया जो असल के मुद्दे हैं उन पर बात करें तो ये जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है काफी बढ़ सकता है. लेकिन हम जानते हैं समीर से और थोड़ा सा जर्नलिज्म के स्टूडेंट की लाइफ के बारे में, जर्नलिज्म के बारे में. समीर, आपने सबसे पहला शो कौन सा किया था जब आपको इन्विटेशन आया? देखिए बिल्कुल, जब मैंने नया ज्वाइन करा था, मैं जर्नलिज्म में आया था, तो फर्स्ट इनविटेशन आया था हमें जब मूवी आई थी बद्रीनाथ की दुल्हनिया, ओके, आपको याद होगा, हाँ तो जी, उसमें जो है मूवी का प्रमोशन हुआ था, तो उसमें वरुण धवन आए थे और आलिया भट्ट आई थी, तो लकीली मुझे उनके साथ डांस करने का चांस भी मिला था। ओके, सो यू आर अ गुड डांसर. जी नो आई एम नॉट, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। ओके, सो ये कब की बात है? ये तकरीबन जो है 1 साल हो गया। 1 साल हो गया. और अभी आपने रीसेंट शो कौन सा किया था? रिसेंट शो मैंने जो है अभी मार्च में करा था, आज तक पे जो आया था टक्कर हुआ था एक प्रोग्राम, आज तक पे अप्रैल में आई थिंक अप्रैल में हुआ था, उसमें था मैं।
उसमें मैंने कौन थे पार्टिसिपेट उसको, करा था। क्या टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या था उसका? टॉपिक ऑफ डिस्कशन यही था कि मतलब कर्नाटक का किंग कौन। ओके ओके सो आप कह रहे हैं कि लगभग 2 महीने गुजर चुके हैं जब आपने कोई डिबेट चैनल में हिस्सा लिया है, 2-2.5 महीने जी। 2-2.5 महीने। कोई ऐसा यादगार शो आपको जिसने आप पर छाप छोड़ दी हो, क्योंकि आपने कहा कि आपने 5-10 ही शो किए अब तक, कोई बिल्कुल कोई स्पेसिफिक जो आपको आपके दिल के बेहद करीब हो? बिल्कुल, जो हमने शायद सब सब पॉलिटिकल शो ही थे ज्यादातर से। बस एक शो था जो कंगना रनौत आपके दादा तो माइंड थी, ओके जिस अंदाज से उन्होंने सारे क्वेश्चन के आंसर जो है बिना फियरलेस दिए, दैट वाज वेरी इंस्पायरिंग। ओके आपकी अदालत के शो में भी जाते हैं? बिल्कुल मैं गया हूँ उसमें, जो कंगना रनौत आपके दादा तो माइंड थी, मैं उस एपिसोड का पार्ट भी हूँ जो उन्होंने कहा था फेक अबाउट फंक्शंस, वो मैंने ही पूछा था उनसे। अच्छा, यस दोस्तों, अगर आप इनके फेसबुक प्रोफाइल पर जाएंगे तो आप कंगना रनौत जी की और इनकी पिक्चर भी देख सकते हैं। तो मोटे मोटे तौर पर मैं फिर से बता दूं जिन दर्शकों ने अभी ज्वाइन किया है, सोशल मीडिया पर पोस्ट कार्ड जो पेज फेक न्यूज फैलाने में माहिर है, उन्होंने समीर खालिद जी का कैरेक्टर असेसिनेट करने की कोशिश की है। उन्होंने ये प्रोजेक्ट करने की कोशिश की है कि ये एक मीडिया के पेड एजेंट है और मीडिया हमेशा इनसे ही क्वेश्चन पूछवाती है और वो क्वेश्चन हमेशा सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ होते हैं। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि इस बंदे को पैसे दिए जा रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं कि समीर एक जर्नलिज्म के स्टूडेंट है, इनकी तरह काफी और स्टूडेंट्स को भी ये अपॉर्चुनिटी मिलती रहती है। अगर आप देखेंगे तो काफी सारे उसमें जो पैनल्स में बैठे होते हैं, उसके ऑडियंस में बैठे होते हैं, वो जनरली जर्नलिज्म के स्टूडेंट होते हैं। तो समीर, आपके कॉलेज में से और भी लोग हैं जो ये क्वेश्चन पूछते हैं? बहुत सारे सर, नॉट ओनली मी, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं बहुत सारे हैं जो रेगुलर पूछते हैं, जो रिसर्च करके जाते हैं, और अगर लकीली उन्हें चांस मिलता है तो वो ज़रूर पूछते हैं, बहुत ओके, सारे। तो ये जो डिबेट सारी होती है ये जनरली कौन सी सिटी में रहती है? नोएडा फिल्म सिटी, वहां पे नोएडा फिल्म सिटी में कैसे है? आप मीडिया हाउसेस अगल बगल में ही है, मैंने सुना है कुछ ऐसा है? बिल्कुल बिल्कुल, वो वॉल टू वॉल टच है एकदम, वो तो मतलब पूरा हब बना हुआ है एक तरह का, मतलब अगल बगल में ही है सारी, फुदक के इधर तो आज तक, फुदक के इधर उधर से तो उधर, एनडीटी भी। इस चैनल कभी उस चैनल तो कभी इस चैनल कभी इस चैनल। और ये मोस्ट ऑफ द चैनल्स ये लाइव रहते हैं या फिर इसके अंदर जनरली ये रिकॉर्डिंग होके एडिट होके फिर रिप्रेजेंट किया जाता है? कुछ चैनल्स के अंदर जो अगर हम एनडीटीवी की बात करें, जैसे एनडीटीवी पे हम लोग आता है, मुकाबला आता है, बिग फाइट आता है, और यूथ क्वेक आता है, वो रिकॉर्ड होते हैं, और जो है जो वी द पीपल जो होता है वो कभी कभार लाइव होता है, और जो है कभी कभार की किसी स्पेसिफिक ओकेजन पे लाइव भी चले जाते हैं, वैसे ज़्यादातर आज तक पे लाइव रहता है। ओके, और वेरी अदालत गुड। में जो आपके आपकी अदालत जो होता है वो हमेशा रिकॉर्ड होता है, वो लाइव नहीं जाता है, आपकी अदालत जो है हमेशा रिकॉर्ड होता है। वेरी गुड, वेरी गुड। सो समीर, अब तक हमने ये जाना कि आपको ये कैसे अपॉर्चुनिटीज मिलती है जाने की, अब मुझे आप ये बता सकते हैं कि ये अपॉर्चुनिटी जर्नलिज्म के स्टूडेंट को दी क्यों जाती है? ताकि लोगों को ये समझ में आए कि सिर्फ जर्नलिज्म के स्टूडेंट को ही उस ऑडियंस में क्यों बुलाया जाता है जनरली, तो बता बिल्कुल सकते हैं आप मैं आपको हमारे बताऊं, दर्शकों को? बिल्कुल बिल्कुल बहुत इम्पोर्टेंट भी है, मैं आपको बताऊं कि जैसे कि हम जर्नलिज्म के स्टूडेंट है तो हम जब सॉरी, वहां, बिफोर यू आस्क, जनता आप देख रही हैं, अगर आपके पास कोई प्रश्न है तो आप भी कमेंट्स में टाइप कर सकते हैं, देन वी'ल ट्राई टू आस्क समीर दैट क्वेश्चन आल्सो। एंड अगर आप इसको देख रहे हैं तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि इसमें कुछ इंफॉर्मेशन आपके काम की है तो। यस प्लीज समीर, कंटिन्यू। देखिए मैं आपको बताऊं कि इसमें जर्नलिज्म के स्टूडेंट ज़्यादातर क्यों जाते हैं, क्योंकि अगर जब जर्नलिज्म के स्टूडेंट जाते हैं तो वहाँ उन्हें एक वर्किंग एटमोसफेयर देखने को मिलता है, काफ़ी कुछ जो है उन्हें देखने को मिलता है और सीखने को भी मिलता है कि किस तरीके से द वे ऑफ द वर्किंग, किस तरह से जो है काम करा जाता है, किस तरह से जो है क्या टेक्निकल से जो काम, काफ़ी कैमरा होता है उसको कैसे मूव करा जाता है, और काफ़ी एक्सपोजर सीखने को मिलता है जब ये जाते हैं, क्योंकि अगर इन फ्यूचर इससे हमें काफ़ी हेल्प भी मिलती है, क्योंकि अगर हम अभी से देखते हैं ये हमारे लिए एक तरह का वर्कशॉप होता है कि हम जाते हैं तो हमें काफ़ी एक्सपोजर मिलता है कि सीखने के लिए कि किस तरह से जो है कि सारा कुछ हैंडल करा जा रहा है, कौन कर रहा है, कौन सा डिपार्टमेंट होता है और कौन क्या काम करता है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ओके, तो आप बता रहे हैं कि जैसे कि हम अगर हम इंजीनियरिंग की बात करें उसमें इंटर्नशिप प्रोग्राम्स होते हैं, या फिर आप बिल्कुल डॉक्टरशिप में बात करो तो उसके अंदर रेजिडेंटशिप होती है,
तो इसमें आपको वर्किंग एटमोसफियर मिलता है और आपको पता लगता है, आपको ये पता लगता है कि आप सेलिब्रिटी से कैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल एटिकेट्स क्या होते हैं, दैट्स अ गुड बिल्कुल पॉइंट. आप जर्नलिज्म की दुनिया में हैं और आपने बताया कि रविश कुमार आपके लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, वेरी गुड. जी आपने ये भी बताया कि आप संबित पात्रा के फैन हैं. टू इंश्योर कि पीपल कंफ्यूज ना हो, आप संबित पात्रा के विचारों के फैन हैं या फिर उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स के? दोनों में बहुत कम्युनिकेशन डिफरेंस. स्किल्स क्या बहुत बहुत डिफरेंस है। बिल्कुल आपने अच्छा करा, ये डाउट दूर करा कि उनकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, अगर वो जो है तो सब सारे लीडर्स में आ जाएं, तो जिस तरह से वो सोचते हैं, जिस तरीके से जो वो बिना बिना मैनू बिना एकदम फ्लुएंट आंसर देते हैं, यही तो जब वो कहते हैं कि कोहिनूर गोबर से ज्यादा महंगा है या गोबर कोहिनूर से ज्यादा महंगा है, बिना सोचे उन्होंने ये बोल दिया, तो आप इस चीज को अप्रिशिएट कर रहे हैं, राइट? ये इंफोटेनमेंट हो गया। मैं आपको बताऊं कि ये इंफोटेनमेंट हो गया, ताकि जो सामने देख रहा है वो मतलब थोड़ा इससे अटैच हो जाए कि हाँ, कि मतलब कि एक ही जो है मतलब कि माइंड में जो है टेंशन ना हो कि शायद डिबेट देखी कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, लेकिन थोड़ा सा एंटरटेनमेंट जरूर हो जाए। राइट. समीर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको इस पे थोड़ा सा रोकूंगा और इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में बात करते हैं, क्योंकि आप जर्नलिज्म के स्टूडेंट हैं तो आप लोगों को बता भी सकते हैं ये इंफोटेनमेंट क्या होता है और इसको कैसे इस्तेमाल किया जाए जर्नलिज्म में या फिर कम्युनिकेशन के वर्ल्ड में, क्या सिखाया जाता है इंफोटेनमेंट के बारे में? जी इंफोटेनमेंट ये हो गया, जैसे कि हम किसी भी जो है इंफॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहे हैं कि बड़ा फोर्स कर रहे हैं उसके ऊपर कि नहीं, इसे जो है आप ऐसे ही लीजिए और इंफॉर्मेशन के टाइप ही लिए, लेकिन अब उसे हम इंफोटेनमेंट कर दें तो मतलब इंफॉर्मेशन के साथ साथ थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी उसमें ऐड ऑन हो जाए, और जो है काफ़ी कुछ सुनने में अच्छा लगे और जो है काफ़ी देखने में भी थोड़ा अच्छा लगे। दोस्तों, अगर आपको मेरा ब्रेन वॉशिंग वाला वीडियो याद हो जिसमें मैंने बताया था, तो ये भी एक टेक्निक है. इसको हम कहते हैं कि इफ यू कैन नॉट कन्विंस, कंफ्यूज. इस कंफ्यूज को अगर आप एक बड़ी ग्रूमिंग टर्म में बोलेंगे तो आप उसको इंफोटेनमेंट भी कह सकते हैं. तो इन्होंने अभी एग्जाम्पल दिया कि संबित पात्रा के पास वो स्किल है कि कैसे वो एक मुद्दे को इंफोटेनमेंट, वो कैसे आपका एंटरटेनमेंट करते हैं. आप उन्हें पसंद कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है, लेकिन जब उन्होंने ये लाइन बोली कि गोबर जो कोहिनूर से भी ज्यादा महंगा है, आज ये एक वर्ल्ड फेमस लाइन बन चुकी है. उनका इसके ऊपर एब्सोल्युटली मजाक बनता है वो बात अलग है, लेकिन उनके हेटर्स और लवर दोनों इससे आनंद उठाते हैं. तो ये आपको देखना है कि संबित पात्रा एक्चुअली सक्सेसफुल रहे हैं आपको मेन मुद्दे से भटकाने के लिए. अगर मैं आपसे पूछूं कि उन्होंने किस डिबेट में ये बात की थी, उसका मुद्दा क्या था, उसका टॉपिक क्या था, आपको याद नहीं होगा, लेकिन आपको बिल्कुल ये लाइन एब्सोल्युटली याद है नहीं कि आता। संबित पात्रा ने गोबर को कोहिनूर से महंगा बताया था. अब इस चीज के लिए उनका मजाक बनाया जाना चाहिए या नहीं बनाया जाना चाहिए? कम्युनिकेशन के वर्ल्ड में लोग कहेंगे कि यार कंफ्यूज करने के लिए बंदा सही है. तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप मुद्दे से कैसे ना भटके. थैंक यू. तो इसके अलावा कम्युनिकेशन जो जर्नलिज्म में कोई और चीजें हैं जो सिखाई जाती हैं ऐसे कि जब आपको नहीं पता हो क्या किया जाए? जब नहीं कर पता हो ना किया जाए कि किस तरीके से, मतलब जो है कि आप अब कुछ ये भी सिखाया जाता है कि आप अपने जो एटीट्यूड्स एटीट्यूड हो, मैनर हो, इसको आप कैसे मेंटेन करें, ताकि किसी आप हाई प्रोफाइल गेस्ट से कुछ मतलब ऐसे वर्ड का इस्तेमाल ना करें कि उन्हें बुरा लगे, मैनर्स हो, एटिकेट्स हो, आपके बात करने में, जैसे रमेश शर्मा जी अदालत के अंदर स्माइल करते रहते हैं और कितने शार्प हार्ड हिटिंग क्वेश्चन पूछते हैं, ये सब स्किल्स बताई जाती हैं कि किस तरीके से आप एक तरह की मैनर्स में अंडर मैनर्स सारा काम करें। समीर, इस इंटरव्यू को थोड़ा और खींचते हो, मुझे पता है कि आप जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स हैं, अभी आपको जर्नलिस्ट कहना सही नहीं होगा, आप ट्रेनिंग पीरियड में हैं. तो दोस्तों, इस चीज को प्लीज गौर कीजिएगा, वो अभी एक स्टूडेंट है. तो मैं थोड़े टफ क्वेश्चन पूछने वाला हूँ आपसे. हाल फिलहाल में हमने देखा कि जी टीवी के सुधीर चौधरी या फिर हम अर्नब गोस्वामी की अगर हम बात करें जो रिपब्लिक टीवी में है, या फिर हम देखें कि नविका वगैरह जो टाइम्स नाउ में जो पत्रकारिता कर रहे हैं, ये तीनों एक खास तरह के जर्नलिज्म को हम देखते हैं कि सारा दिन टीवी पर बिल्कुल पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम डिबेट्स इन पर रहते हैं. इसके बारे में आपकी जर्नलिज्म की एथिक्स क्या कहती है? इसके बारे में हमारी जर्नलिज्म की एथिक्स कुछ भी नहीं कहती है इसके बारे में जो है। ये पहली बात तो दिस इज रॉन्ग, दिस इज नॉट जर्नलिज्म। मैं आपको बताऊं कि जर्नलिज्म इज कि आस्किंग द क्वेश्चंस फ्रॉम द रूलिंग वंस,
कि किस तरीके से जो है हम यहाँ पे जो है कि असल मुद्दों पे बात करें, कि यही देश के आज में यही टॉपिक थोड़ी है कि मतलब कि इंडिया पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम की बस ये पूरे दिन चलता रहे कि और आपस में डिस्कशन करके चिल्ला रहे हैं एक दूसरे पे और ऐसा लाउड शोर नॉइस हो रही है, कि यही सब थोड़ी रह गया जर्नलिज्म के अंदर। जर्नलिज्म तो ये है ही नहीं। तो आप कह रहे हैं कि इस आप अच्छा चलिए अब आते हैं आप आपकी लाइफ के ऊपर। तो आप क्या करना चाहते हैं? आप डेस्क जर्नलिज्म करना चाहते हैं, रिपोर्टिंग करना चाहते हैं, रिपोर्टिंग रिकॉर्डर बनना चाहते हैं, या हीरो बनना चाहते हैं? आप चॉकलेटी बॉय हैं और ऑलरेडी आप फेमस तो हो ही नहीं चुके नहीं हैं, तो नहीं नहीं कहीं सर, बस मूवीज की मैं तरफ तो जाने का आपका ख्याल नहीं है? नहीं नहीं नहीं, नहीं सर नहीं। और मैं आपको बताऊं कि मैं आई वांट टू बी रिपोर्टर। अच्छा, किस फील्ड में आप रिपोर्टिंग करना चाहते हैं? एंटरटेनमेंट्स में भी करना चाहता हूं, पॉलिटिक्स में भी करना चाहता हूं, स्पोर्ट्स में भी करना चाहता हूं। अच्छा, तो दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा फिर से बता दूं, ये नौजवान जो हमारे सामने बैठे हैं समीर, ये अभी सिर्फ 19 वर्ष के हैं। और मैं समझ सकता हूं कि जब मैं 19 साल का था तो उस समय हम हमारे पास होता है कि हम ये भी कर लें वो भी कर लें, और आने वाले समय में हमारे विचारों को थोड़ी सी और दृढ़ता मिलती जाती है जब हम और एक्सपोजर देखते हैं। तो अभी एक्सप्लोरिंग, तो जब वो आप पोस्ट ग्रेजुएशन की तरफ जाते हैं, धीरे धीरे आप डिसाइड कर बिल्कुल पाते हैं कि मैं कौन सी फील्ड में ज्यादा डीप करना चाहूंगा, तो प्लीज इस आंसर को लेकर आप एकदम से ऐसे मत कर लीजिएगा कि एंटरटेनमेंट में भी पॉलिटिक्स में भी तो ऐसे कैसे। तो इस चीज को समझना जरूरी है कि कौन बोल रहा है, कब बोल रहा है, किस स्थिति में बोल रहा है। ओके, तो आप एंटरटेनमेंट और पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स, अच्छा हम एक इंटरेस्टिंग से आपसे चीज पूछते हैं कि आज के प्रधानमंत्री से अगर आपको 3 प्रश्न पूछने हो तो क्या वो प्रश्न होंगे समीर? मैं आपको आज अपॉर्चुनिटी देता नौकरियां। हूं, बिल्कुल, पहले तीन तो मैं पूछना चाहूंगा कि सोचिए सोचिए कि आपके साथ इस खिड़की में अभी भारत के प्रधानमंत्री की स्पोक्स पर्सन है और आपको एक प्रोफेशनलिज्म के हिसाब से 3 क्वेश्चन पूछने, तो कैसे पूछेंगे? पहला तो मेरा यही हुआ कि जो 2 करोड़ नौकरियों का वादा करा गया था वो कहाँ है। और दूसरा मेरा क्वेश्चन ये होगा, जो ब्लैक मनी की बात करी गई थी कि विदेश से काला धन आएगा, विदेश के जितने लोगों का काला धन है उनका पता हमारे पास हैगा, वो काला धन कहाँ है। और तीसरा क्वेश्चन मेरा यही होगा, जो मतलब कि तीसरा क्वेश्चन जो होगा वो यही होगा कि आज इंडिया के अंदर जो है कितनी नए कॉलेजेस और कितनी यूनिवर्सिटी आपने बनाई हैं। ओके, थैंक यू। आपके क्वेश्चन ये नहीं होंगे कि आपने कभी छुट्टी नहीं ली, नहीं, मेरे क्वेश्चन ये नहीं होंगे। या फिर आपको ऊर्जा कहां से मिलती है इतनी कि आप इतना घूम लेते हैं, इतनी रैलीज कर लेते हैं, नो नो नो, क्योंकि आप दिन में 24 में से 18 घंटे काम करते हैं। ये नहीं, समीर, मेरे नहीं पूछेंगे। तुम्हारा तुम्हारा भविष्य खतरे में है अगर तुम ये क्वेश्चंस नहीं डालोगे ना पोस्ट ग्रेजुएशन में। जी तो समीर, थैंक यू वेरी मच, यू नो इट वाज रियली वंडरफुल टॉकिंग टू आवर यंगेस्ट मैन आउट हियर। एंड दोस्तों, मेरे पास कुछ रिक्वेस्ट आई थी, लोगों ने कहा था कि इस फेक न्यूज को बस्ट किया जाए, एंड जब मैंने समीर जी का कांटेक्ट निकाला, उनसे बात की, तो ही रेडिली एग्रीड। उन्होंने बताया कि भैया कि मेरे काफी दोस्त इस बात को लेकर चिंतित भी थे कि करेक्टर असैसिनेट किया जा रहा है। आप खुद ही बताइए समीर कि आपके मन में क्या, मतलब कि आपके आसपास क्या माहौल था जब ये न्यूज़ फैली? जब ये फेक न्यूज़ स्प्रेड होना स्टार्ट हुई तो मेरे पास काफ़ी जो है मैसेजेस आए कि व्हाट इज़ दिस, ये क्या है। तो जो मुझे नहीं जानते थे, फिर मैंने उन्हें बताया कि जो है ये आई एम ए जर्नलिज्म स्टूडेंट इन पार्टिसिपेटिंग डिबेट्स इज पार्ट ऑफ माई वर्क एंड पार्ट ऑफ माई स्टडी। तो फिर जब उन्हें मैंने उन्हें ब्रीफली समझाया तो फिर उनके समझ आ गया। लेकिन जिन लोगों को जो अभी इससे अवेयर नहीं है तो यही समझेंगे कि दिस इज़ ट्रूथ, कि ये जो है मीडिया में ऐसे ही होता है, दिस इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर यू नो बीइंग लाइव विद अस। एंड समीर, आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है और आपने क्लियर कर दिया है। अब दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ये इंफॉर्मेशन भी उन लोगों तक पहुंचे जिनके पास फेक न्यूज पहुंची थी, तो अब आपका काम स्टार्ट होता है। आपको इसको शेयर करना पड़ेगा, उन ग्रुप्स में जाकर, कमेंट्स में जाकर ये वीडियो को डालना पड़ेगा, ताकि लोगों को ये पता लग सके कि कैसे पोस्ट कार्ड जैसी वेबसाइट्स हमारे देश में घृणा का माहौल फैला रही हैं, कैसे वो लोगों का कैरेक्टर असैसिनेट कर रही हैं, और शायद
ये वेबसाइट ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं मॉब लिंचिंग को भी बढ़ावा दे रही है। तो इसी के साथ आपके वहां समय भी काफी रात हो गई है शायद, इस समय शायद आपके सहरी का भी समय हो गया होगा अब बिल्कुल तो रोजे रख रहे हैं आप भी? जी, बिल्कुल रोजे तो चल पूरे ही चलेंगे कितने इंशाल्लाह। कितने 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 रोजे बचे हैं आपके अभी समीर? अभी जो है 15 तारीख को ईद है, तो अभी 7-8 रोजे बचे हैं। वेरी गुड। तो अभी क्या खाने वाले हैं फिर आप अभी नाश्ते में, अर्ली नाश्ते में? अभी तो हम जरा फैनी कहते हैं जो दूध के अंदर डाल के खाते हैं, फैनी खजला, दूध के अंदर जो है डाल के जो है थोड़ा स्वीट होता है उसको खाते हैं, और थोड़ा मतलब थोड़ा लाइटली ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, और जो है दूध पी लेते हैं 1 गिलास, तो मतलब थोड़ी एनर्जी रहती है पूरे दिन। चलिए समीर, आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड आई होप दैट ऑन द पाथ ऑफ जर्नलिज्म यू मेंटेन योर एथिक्स, ओके? एंड आई विश ऑल्सो दैट यू विल बी एबल टू मेंटेन इन द टफ टाइम्स। एंड भारत का जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है, कहीं ना कहीं आप उसको कम करने में आप और आपके मित्र और आपके सहयोगी छात्र भारत की मदद करेंगे। तो मैं दिल से आपको बिल्कुल, सलाम करता हूँ। लेकिन कल को अगर कहीं थैंक मैंने देखा कि आप भी मीडिया एथिक्स से भटक रहे हैं तो मैं तो यही बना ही रहूंगा। बिल्कुल, फिर मैं दोबारा आऊंगा, आप मुझे दोबारा इनवाइट कीजिए। श्योर समीर, चलिए मिलते हैं, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।